नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। हाई अलर्ट में सुनाएंगे एक ऐसे कातिल का कबूलनामा जिसने सरेआम कत्ल की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। बताएंगे टोल प्लाजा पर तांडव करने वाले विधायक के बारे में और सबसे बड़ी तस्वीर दिखाएंगे 11वीं की छात्रा के कत्ल की, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग सामने आई है। तो देखते रहिए हाई अलर्ट और रहिए अलर्ट। कहते हैं कि रिश्ते जब हदें तोड़ते हैं तो खौफनाक हो जाता है मंजर। कुछ ऐसा ही सामने आया राजधानी लखनऊ में, जहां एक पति ने दिन दहाड़े अपनी पत्नी की चाकू से गुदकर हत्या कर दी। हजारों लोगों के सामने की गई इस वारदात के बाद उस पति का जरा कबूलनामा आप सुनिए। बताया कि अपनी लड़की को लेकर बता के जाए गए थे गांव जा रहा आज तक। ठीक है, आज ही सर सुबह आज अभी तक की हो अभी सर हमने चाकू से मारा। कितने दिन गए? नहीं सर, वो गई थी उसी के साथ में। सुबह से हम ढूंढ रहे थे कहाँ, वो पीछे गली में आती हुई। जिस गली और जिस वारदात का ये शख्स जिक्र कर रहा है उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही। गली के बीचों बीच एक महिला पड़ी हुई है जिसके जिस्म से बेतहाशा खून निकल रहा और कुछ लोग एक शख्स को पकड़ कर पीट रहे। कैमरे में कैद ये खौफनाक तस्वीरें राजधानी लखनऊ की, जहां सरेआम एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लखनऊ में बीच सड़क पत्नी को चाकू से गोदा। ताबड़तोड़ चाकू के वार से की पत्नी की हत्या। राजधानी लखनऊ का मड़ियाम इलाका उस वक्त दहशत ज़दा हो उठा जब प्रीति नगर इलाके में एक महिला को बीच सड़क पर एक शख्स ने घेर लिया। पहले तो दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ, फिर यह शख्स अपने लाए चाकू से महिला पर ताबड़तोड़ वार करने लगा, जिससे महिला खून से लथपथ होकर बीच सड़क पर गिर गई। इससे पहले कि आरोपी भाग पाता, लोगों ने इसे दबोच लिया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई। अय्याशी से परेशान पति का खौफनाक कदम। विरोध के बाद भी पत्नी कर रही थी मनमानी। मौका वारदात से पकड़कर थाने लाए गए उस शख्स का कबूलनामा भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि शख्स को अपनी करतूत का कोई पछतावा नहीं और ना ही इसकी आंखों में कानून का कोई खौफ दिख रहा। बताओ। सर नाजायज संबंध है मेरे। किसके सर? हमने मुराद अली सर। सर हमने समझाया उनको सर, हमने समझाया कि गांव चलो, कहे थे कि हम गांव नहीं जाएंगे। ठीक है, तुमको रहना रहो नहीं तो जाओ, और छोड़ेंगे नहीं, तलाक नहीं लेंगे, तुमको हम बातों से मारेंगे। सर आज हमने वीडियो भी सर बनाई थी मोबाइल में। ठीक है, गलत काम करते हुए इसने रात में मोबाइल खोल दिया हमारा। आवाज़ सुबह हम बचा के अपनी लड़की को लेके बता के जाए गए थे गांव कि हम गांव जा रहे हैं। आज क्या किया? ठीक है, आज ही सर सुबह। आज अभी क्या किया? अभी सर हमने चाकू से मारा। अकेले थी घर में वो? नहीं सर, वो गई थी उसी के साथ में। सुबह से हम ढूंढ रहे थे। कहाँ मिली? उनको पीछे गली में आती हुई। सुना आपने, ये उस शख्स का कबूलनामा है जिसने कुछ देर पहले ही अपनी पत्नी की सरेआम हत्या की थी। इस शख्स का नाम रफीक है और मरने वाली इसकी पत्नी अफसाना थी। रफीक कुछ साल पहले मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने परिवार के साथ राजधानी लखनऊ आया था और मड़ियाँ इलाके में एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। रफीक की पत्नी अफसाना को शहर की कुछ ऐसी हवा लगी कि उसकी दोस्ती मुराद अली नाम के शख्स से हो गई। पहले तो केवल घर आना जाना रहता था, लेकिन फिर दोनों करीब आने लगे।
और इस बात की जानकारी रफीक को हो गई। वो बार बार अफसाना को चेतावनी दे रहा था और उसे मुराद अली से दूर रखने के लिए गांव से ले जाना चाहता था, लेकिन अफसाना को अपने नाजायज रिश्तों की परवाह अपने परिवार से ज्यादा थी, लिहाजा वो बार बार मना करने के बाद भी अपने पति रफीक की बातों को नजरअंदाज कर जाती थी। पत्नी की हरकतों से ऊब चुका रफीक अपनी बेटी के साथ गांव वापस जाना चाहता था, लेकिन पत्नी उसके लिए तैयार नहीं हुई, तो गुस्साए रफीक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। आज थाना मड़ियाव क्षेत्र में एक युवक द्वारा अपनी पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। पत्नी की इलाज के समय मृत्यु हो गई है। पति को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही है। मृतका के परिजनों के आने पर जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाजायज रिश्तों ने एक बार फिर से न केवल घर की खुशियों को आग लगाई बल्कि कई जिंदगियों को भी बिखेर कर रख दिया। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को दोहराते जाने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। अब एक बच्ची अनाथ हो चुकी है जिसकी माँ का कत्ल हो चुका और कत्ल के आरोप में पिता जेल की सलाखों के पीछे पहुँच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तलाक न देके मौत दे दिया अपनी बीवी को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां अपना दल विधायक आरके वर्मा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साहब वो अपने गुर्गों के साथ गुंडई करते दिखाई दे रहे हैं। उनके इशारे पर ये इनके गुर्गे सरेआम टोल कर्मियों को पीट रहे हैं और ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है जो टोल पर विधायक के इस तांडव को साफ साफ दिखा रही है। आप भी देखिए। मारपीट और तांडव की ये तस्वीरें टोल प्लाजा की हैं, उस टोल प्लाजा की जिससे प्रतापगढ़ के विधायक की गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी जनाब विधायक की थी, लिहाजा टोल पर विधायक की गाड़ी को रोकने की हिमाकत क्या नतीजा हो सकता है, ये तस्वीरें उस अंजाम बाखूबी बयां कर रही हैं। टोल पर विधायक के गुर्गों की गुंडई। गुर्गों ने टोल कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीसीटीवी में कैद विधायक की गुंडागर्दी। सीसीटीवी में नीले रंग की जैकेट में दिख रहे ये महाशय प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज के विधायक आरके वर्मा साहब हैं। माननीय विधायक हैं तो भी टोल प्लाजा पर गाड़ी क्यों रोकी गई? इसी बात पर प्रयागराज बॉर्डर पर बने टोल प्लाजा पर तांडव शुरू हो गया। विधायक के गुर्गे टोल कर्मियों को उनके केबिन से बाहर निकाल लाए, फिर शुरू कर दी उनकी पिटाई। विधायक के बारे में पूछने पर भड़के गुर्गे। प्रतापगढ़ के विधायक आरके वर्मा अपने गुर्गों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके काफिले पर गाड़ियां फर्राटा भरते हुए जैसे ही प्रयागराज बॉर्डर पर बने टोल प्लाजा पर पहुंची तो गाड़ियों को रोक लिया गया। विधायक साहब की गाड़ी पर 2019 का पास लगा हुआ था जिसके लिहाज से टोल कर्मी ने गाड़ी में बैठे लोगों से पास के बारे में पूछा तो गाड़ी में बैठे विधायक साहब को गुस्सा आ गया। उनका गुस्सा देख गुर्गे गाड़ियों से बाहर कूद पड़े और अपने आका को गुस्सा दिलाने वालों पर टूट पड़े। एक गाड़ी आई विधायक जी की थी, वो तो उसमें पास लगा हुआ था 2019 का, तो 2019 का पास है ये, अभी 21 चल रहा है, तो वो पास होने से तो मेरा पूछना फर्ज था। मैं पूछा उनसे किसकी गाड़ी है, बोले विधायक डॉक्टर आरके वर्मा का। तो मैं एग्जामिनेशन करने लगा, तब तक वो बोले कि नहीं जाएगी, वो गाली भी दी हमको। इसके बाद तब तक उनका गनर आया दौड़ के और उस गाड़ी से निकल के हमको मारने लगे। किसके गनर थे ये? थे डॉक्टर आरके वर्मा के।
जो यहाँ के विधायक जी हैं प्रतापगढ़ के। कहाँ के विधायक? ये विश्वनाथगढ़। और विधायक जी भी खड़े होके बोले कानून मैं बनाता हूँ, ये मेरा कानून, मैं जो चाहूंगा वही होगा। सुना आपने, जिनको जनता ने संविधान की सुरक्षा के लिए चुनकर विधानसभा पहुंचाया, उन्हें गुमान होने लगा कि वो कानून के रक्षक नहीं बल्कि निर्माता हैं। और फिर विधायक के इस गुमान को एक साधारण सा टोलकर्मी कैसे चुनौती दे सकता है? गाड़ी पर पास पुराना लगा रखा है, इसमें भी विधायक साहब की क्या गलती? क्योंकि जब गाड़ी में खुद विधायक साहब बैठे हैं तो इन्हें ना पहचानने की गलती टोलकर्मी ने कैसे कर दी? सर टूल प्लाजा पे आया, वो लड़के ने पूछा उनसे कि सर 2019 का पास है, आप हैं कौन? तो मतलब उन्होंने बताया वर्मा जी का है। तो लड़के मुझे बैठे हैं क्या विधायक जी, इतने में उनका कलर बोला नहीं रहा है तुझे, उतर के मारने लगे किसी का। वहाँ पे हम पहुँचे, हमने सर मतलब ठीक है सर गलती लड़के से हुआ सर, हम माफ़ी मांग रहे हैं। विधायक जी बोल रहे हैं नहीं मारो सारे लोग को। विधायक साहब को न पहचानने की गलती तो की गई थी, लेकिन इस गलती को केवल एक टोलकर्मी ने किया था। लेकिन क्या मजाल, जो गलती करने वाले के पक्ष में जा खड़ा हुआ, वो भी गलत। इसलिए गुर्गो ने सभी को मारा और पीछे से विधायक साहब पिटाई के आदेश जारी करते रहे। लेकिन जब इस गुंडे की तस्वीरों को लेकर खुद विधायक आरके वर्मा से बात की गई, तो उनके आरोप खुद टोलकर्मियों पर है। उनका कहना है कि टोलकर्मी सभी से बदतमीजी करते हैं, उनसे भी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधानसभा से निर्गत होता है वह निशुल्क है और आपको पास कराना चाहिए। तो कभी सज्जन आदमी बैठा होता था तो करा देता था, लेकिन आज तो हद पार हो गई। आज शराब पी करके लोग बैठे हुए थे और मेरे साथ मेरी एक और गाड़ी थी, तो उन लोगों ने बिल्कुल पास करने से मना कर दिया और बैरियर को नहीं हटाया। तो मैं जब नीचे उतर करके आया तो कुछ लोगों ने गाली गलौज कर दिया और शराब के नशे में थे, शायद मेरे सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो मेरे साथ मारपीट करते और न जाने क्या सलूक हो जाता। तो निश्चित रूप से मैं इसकी शिकायत NHAI को भी करूंगा और उच्च अधिकारियों को करूंगा। विधायक साहब, निश्चित तौर पर आप शिकायत करिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में भी है और करना भी चाहिए। लेकिन कार्रवाई तो आप उस वक्त भी कर सकते थे जब आप पर हमला हुआ था, लेकिन उस वक्त आपने पुलिस बुलाने से बेहतर अपने गुर्गों के जरिए टोल कर्मियों को सबक सिखाना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि अगर पुलिस आती तो वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करती। ऐसे में आपकी हनक और रसूख का इन टोल कर्मियों को एहसास कैसे हो पाता? इसलिए आपने ना शिकायत ना कार्रवाई, फैसला ऑन द स्पॉट कर दिखाया, जो कि गलत भी है और शर्मनाक भी। प्रतापगढ़ से सुलभ श्रीवास्तव, ABP गंगा। तो हाई अलर्ट में अब बात 11वीं के उस छात्र की जिसकी हत्या कर गई। उस वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है, ये वीडियो कुछ और नहीं बल्कि उस हत्या की लाइव रिकॉर्डिंग का है, जिसमें शराब पार्टी के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया और उसकी हर तस्वीर कैमरे में कैद है। इस वीडियो को गौर से देखिए। दो लोग शराब के जाम छलकाने बैठे हैं, जिसमें से एक के पास अवैध तमंचा है, पास में शराब की एक बोतल और पानी की बोतल भी रखी हुई। दोनों के बीच तमंचे से फायर को लेकर बात भी हो रही है। तभी दूसरा शख्स तमंचे को अपने पैर के नीचे रख लेता है और वीडियो बना रहा शख्स उससे शराब पार्टी के बाद घर पर साग बनवाने की बात कहता है। तभी वो शख्स अपने पैर के पास रखे तमंचे को निकालता है, उसमें एक गोली भरता है और बिना देखे उस तरफ तमंचे का मुंह कर फायर कर देता है, जिधर खड़ा शख्स वीडियो बना रहा था।
कैमरे में कैद मौत की लाइव रिकॉर्डिंग। मैं खाने में शराब की जगह बांटी गई मौत। उसका अंदाजा हर किसी को लग ही गया होगा। यह तस्वीर उस शख्स की है जो उस दिन शराब पार्टी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस शख्स का नाम प्रिंस धीमान है और यह क्लास 11 का छात्र था। 3 दिन पहले प्रिंस की लाश खेतों के बीच में बने इस चबूतरे पर मिली थी। हत्या की वारदात कैसे हुई और प्रिंस की हत्या क्यों हुई, ये इस वीडियो के सामने आने तक बड़ा सवाल था। मतलब कुछ भी नहीं है, दारू पी रहे थे बैठे हुए, यहाँ मिले हैं, अंडे वगैरह रखे हुए हैं, सिगरेट भी रखी हुई है। अब नशे में हुआ या कैसे हुआ ये तो मुलजिम बताएगा। क्लास 11 के छात्र की हत्या का वीडियो। तमंचे में प्रिंस धीमान को मारी गई थी गोली। यह खौफनाक तस्वीरें मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव की हैं। 3 दिन पहले इलाके में रहने वाला प्रिंस अपने मामा और एक अन्य के साथ खेत के बीच में लगे ट्यूबवेल पर शराब पीने पहुंचा था। यह वीडियो उसी वक्त का है जब शराब पार्टी चल रही थी। फिर अचानक पार्टी के दौरान ही प्रिंस के मामा ने तमंचा उठाया और उसमें गोली भरकर फायर कर दिया जो कि सीधे प्रिंस को जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि आरोपी की पहचान पुलिस ने उस वक्त भी कर ली थी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। उस दिन की घटना का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसको लेकर पुलिस जांच की बात कह रही है। इससे संबंधित घटना संबंधित पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत कर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है और वीडियो के संबंध में पूरी छानबीन की जा रही है। तो कोई वीडियो वायरल हुआ प्रिंस की हत्या का, कोई वीडियो वायरल हुआ है? हाँ, घटना का वीडियो वायरल हुआ है और उसमें जो है पुलिस छानबीन कर रही है। यह वीडियो आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत का काम करेगा। अब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की तैयारी भी कर रही थी जिसमें प्रिंस की हत्या का सामने आया ये लाइव वीडियो आरोपी को सजा दिलाने के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। ओ भाई, घर क्या बनाया?